इधर गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों ने J&K इस्लाही कमेटी के बैनर तले रविवार को जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी परेशानियों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर गुज्जर समुदाय के लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार और JDA लोगों को बिना नोटिस दिए उनकी बस्तियों को तोड़ रही है, जिसका वो कड़ा विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी के लहजे में कहा कि अगर सरकार ने उनकी बस्तियों को तोड़ने का फैसला वापस नहीं लिया तो वो उनके खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ये पूरी बस्ती द्वारा की इससे पहले भी साथ में डमालिश की। हम ये पूछना चाहते हैं, आप सिर्फ गुजरों को टारगेट क्यों बना रहे हैं? हम लोग इस देश के वफादार लोग हैं, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हमने साथ दिया है मरकजी सरकार का और स्टेट सरकार का। मेहरबानी करके हमें ये बताया जाएगा आप हमारी बस्तियों को उजाड़ रहे हैं, हम लोग कहाँ जाए, किसके पास जाए, किसके पास फरियाद करिए? गरीब लोग हैं, पसमानदा लोग, अनपढ़ लोग हैं। अब आप क्या मांग करते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी बस्तियों को फिर से बसाया जाए, ना कि उजाड़ा जाए। जो डुमा